हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ और खाना भी बन चुका है और मैं खाना खाने वाली हूँ। बट खाने में थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है। कमी ये है कि दीदी ने बनाया है गोभी फ्राई, वाओ, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी है। बट मुझे थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा है और ऊपर से अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे कच्चे आम आते हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो छोटी छोटी कैरी, ये कच्चे आम आते हैं तो मुझे इसकी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी इसको लेकर आई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसकी चटनी बनाई जाए, क्योंकि मुझे चटनी खाना बहुत पसंद है और मैं थोड़ा सा यू नो स्पाइसी एंड चटपटा खाना पसंद करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो फटाफट हम आम की चटनी बनाते हैं। वैसे मुझे आम की चटनी बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आज आम की चटनी बनाऊँ। आम की चटनी बनानी है, उसके लिए मैंने सारी चीज़ें ले ली है। ये दीदी ने गोभी फ्राई बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी, और ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये मैंने दो आम लिए हुए हैं, ज़्यादा चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि फ्रेश जो चीज़ें खाने में अच्छी होती है वो अगर फ्रेश नहीं रहती तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना। पुदीना बहुत ज़्यादा रहता है जो हमारी बॉडी के लिए रहता है। और ये मैंने अदरक ले लिया और ये लहसुन धीरे धीरे छील किया था जिसका बेनिफिट मैं उठाने वाली हूँ। हल्का सा आम पक गया आई थिंक, जो पता नहीं इसकी चटनी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। ना शायद ये छीलने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बट मैं चटनी बना के दूंगी, रख लेती हूँ। मैं ज्यादा चटनी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ। ये भी हल्का सा पक गया बट ज्यादा नहीं पक रहा है, हल्का पक रहा है। तो मैंने मेरे जो आम है वो अच्छे से छील गए हैं, बट ये थोड़ा सा पका हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया, बट मैं इसको ऐसे ही कट कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे कट होगा। ये बहुत ज्यादा चाकू हो जा रहा है, मुझे तो इससे खुद ही डर लग रहा है। मैं थोड़ा नॉर्मल वाला यूज करती हूँ। ये आम पक गए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वो होते जा रहा है। मेरा जो ये आम है ये कट चुका है और ये आम बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी कह रहा है जिसमें मैं पीसने वाली हूँ। तो ये आम और अदरक मैंने डाल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी लहसुन ले ले रही हूँ, इतनी थोड़ी सी ज़्यादा ही है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम भी चल रहा है और लहसुन बहुत ज़्यादा वो करती है, वो डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ये थोड़ी सा पुदीना है, इसको भी मैं प्रॉपर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची और नमक डालूंगी। ये है मेरा मिक्सी ग्राइंडर और ये मैंने इसमें भर के इसको अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसको इसमें फिट कर देती हूँ। ये फिट हो गया है और अब मुझे इसको चलाना है। एक कपड़ा मैं ऊपर से रख लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वो होगा तो दिक्कत ना हो। ये मैंने स्विच ऑन कर लिया। तो मैं देखती हूँ। तो फाइनली मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और ये मेरी चटनी बन गई है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, डाल लेती हूँ इसको। वैसे मैंने नमक वमक पीसने से पहले ही डाल दिया था तो ओवरऑल मेरी चटनी जो है वो प्रॉपर अच्छे से ग्राइंड हो गई है। गर्मी के सीजन में अगर आम की चटनी या फिर आम नहीं हो तो एकदम लगता है कि ओ माय गॉड क्या मिस कर दिया। इस वजह से मैंने इसमें आम की चटनी बनाना एकदम कंपल्सरी। चटनी रेडी हो गई है और आप देख सकते हो ये मेरी आम की चटनी रेडी हो गई है और बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। और मैं आपको भी थोड़ा सा टेस्ट कराती हूँ, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। वैसे आप टेस्ट नहीं करो, मैं करके बताती हूँ। सुपर, एक नंबर मेरी चटनी बनी है। तो अब मैं फटाक से खाना लेती हूँ।